देख रहे हैं पब्लिक लाइव में आपके साथ नितिन गर्ग। मैं इस समय मौजूद हूँ देवबंद नगर पालिका में और यहाँ पर कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल कर दी है। वेतन न मिलने को लेकर सभी कर्मचारियों ने यहाँ पर तालाबंदी कर दी है और सभी यहाँ पर हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सभी कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि उनको वेतन लगातार हर महीने लेट मिलता था, लेकिन इस बार 14 तारीख हो चुकी है लेकिन अब तक भी उनका वेतन नहीं मिला है। इसी को लेकर यहाँ पर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक के उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वे हड़ताल से नहीं हटेंगे। मेरे साथ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मौजूद है, मैं उनसे बात कर रहा हूं क्या क्या मांग है उनकी और क्या वजह है जो यहां पर तालाबंदी करने की जरूरत पड़ी। विकास जी, क्या मामला है, क्यों आपको हड़ताल करने की जरूरत पड़ी है? ये वेतन संबंधित कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, उनको समय से वेतन न मिलने के कारण, और इस बार जैसे पैसा 1 तारीख में आ गया था, यू साहब ने दस्तखत कर दिए, चेयरमैन साहब ने भी उस पर दस्तखत नहीं किए। कई बार आग्रह करने के बावजूद भी अभी तक साइन नहीं हुए, कर्मचारियों में रोष है, वेतन ना मिलने के कारण सभी कर्मचारी हड़ताल पर। तो कब तक चलेगी हड़ताल ये? जब तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता जब तक कर्मचारी हड़ताल पर। तो आपने यहाँ तालाबंदी कर दी है? बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, वेतन संबंधित हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, वेतन समय से नहीं मिलेगा तो कर्मचारी हड़ताल पर। तो क्या मतलब तालाबंदी होगी है, बिल्कुल कार्य बंद जब तक हड़ताल है कार्य बंद रहेगा। जो मुख्य हमारे डिपार्टमेंट है, चाहे वो सफाई है चाहे पानी है, वो सेवाएं चलती रहेंगी। जो ऑफिस का कार्य है वो बंद रहेगा, जो निर्वाचन संबंधित कार्य है वो चलता रहेगा, ऑफिस का कार्यालय बंद रहेगा। तो ये थे मेरे साथ अध्यक्ष थे यहाँ कर्मचारी संघ के, इन्होंने बताया कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, सफाई पानी या जो चुनाव से संबंधित कार्य है वो चलते रहेंगे, लेकिन जो ऑफिस का कार्य है वो बिल्कुल बंद रहेगा। नितिन गर्ग, पब्लिक लाइव, देवबंद। नमस्कार व्यूअर्स।